मामूली विवाद में दोस्तों ने ही अपने दोस्त अमरनाथ वर्मा की ईंट से कूच कर निर्मम हत्या कर दी थी। राजघाट पुलिस ने हत्या के आरोप में दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को बैकुंठ धाम से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान हनुमान उर्फ जरलाहे पुत्र स्वर्गीय ईश्वर लाल निवासी महेवा थाना रामगढ़ताल, दूसरा राकेश उर्फ टिंकू शर्मा पुत्र स्वर्गीय भजूराम निवासी डांगी पार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त खून से सना ईटा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 8 दिसंबर को ग्राम चक्रा अव्वल अमरुदबाग थाना राजघाट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान अमरनाथ वर्मा पुत्र गुलाब चंद्र वर्मा निवासी तुर्कमानपुर पटवारी टोला थाना राजघाट के रूप में हुई थी। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि 7 दिसंबर को तीनों दोस्त नशा कर रहे थे तथा मृतक अमरनाथ हम दोनों को गाली देकर झगड़ा करने लगा, जिसके कारण हम लोग गुस्से में आकर अमरनाथ को ईंट से सर पर मार कर जान से मार दिए थे। उन्होंने बताया कि राजघाट थाने में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिस पर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, उप निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा, कांस्टेबल पवन यादव सहित अर्जुन शर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, किसको ग्राम चक्रा अव्वल अमृतानी के पास है राजघाट में, वहाँ पे एक अज्ञात शव मिला था। उसकी शिनाख्त 9 तारीख को की गई थी, अमरनाथ वर्मा पुत्र गुलाब चंद्र वर्मा के नाम से की गई थी। इस क्रम में जो तहरीर दी गई थी उसमें 313/21 मुकदमा अपराध संख्या धारा 302 IPC का पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में जो तफ्तीश की गई तो ये पता चला है कि ये लोग ड्रिंक करते थे। इनके साथ हनुमान और राकेश, ये दो लोग और भी थे, इनके साथ ही वाद विवाद हुआ था और उसी में ईंट पत्थर से वहाँ पे उसको मारा था उन्होंने। ये हनुमान उर्फ जरलाहे है पुत्र स्वर्गीय ईश्वर लाल निवासी महेवा थाना रामगढ़ताल, और दूसरा जो अभियुक्त है राकेश उर्फ टिंकू शर्मा पुत्र भजूराम निवासी डांगी पर थाना खोराबार। इन लोगों को वैकुंठ धाम के पास से आज 1:40 पर गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, मारने का वजह क्या थी? देखिए, ये लोग साथ में ही बैठ के ये लोग ड्रिंक करते थे और आपस में ही इनकी कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ तो उसी में ईंट पत्थर से उसने मारा था उसको। कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों का? इसमें जो राकेश उर्फ टिंकू है उसका आपराधिक इतिहास रहा है, उससे पूछताछ हुई है तो ये बता रहा है कि मोबाइल चोरी में वो राजघाट थाने से और स्मैक में वो कैंट थाने से पहले भी जेल जा चुका है। बाकी आपराधिक इतिहास और खंगाला जा रहा है, अगर जो भी मिलेगा तो उसको आपको बताया जाएगा बाद में।